शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संगीता बहिन, सुन ले बानी, आपके बेटा राजीव बम्बई से शादी करके ले आइल बा। कैसन बाड़ी नयका बहू? कैसन भी है उसे का फर्क पड़ेला, शादी तो हो ही गईल बा। हम तो शादी के एकदम खिलाफ रही, लेकिन बेटा के खुशी के आगे हामी भरे के पड़ल। ना तो बड़ शहर के लैकन के हम अपन चौखट ना पार करे दी, फिर शादी तो बहुत दूर के बाद बा। अच्छा तू चला, हम शाम के मिलता नहीं। हाँ ठीक है, शाम के मिले जाए। देखी रोज सवेरे उठ के हाँ? एक घंटा योगा करी, ठीक बा। फिर देखी राउर दिल और दिमाग दोनों ताजा रही। हाँ। चली। हाँ हाँ चला। कितना बार कहले बानी के पराया औरत के साथ ऐसे हंसस के बात मत कही करी, घर में रह पतो आई भैया। चलिए अभी घरे चली। चला चला चला। भगवान जाने अभी उठले होगी कि ना। मेहता साहेब, हमनी खातिर कपड़ा के क्वालिटी ज्यादा मायने रखेला। यही से राजस्थान से लेके गाजियाबाद तक हमनी के हैंडलूम के कपड़ा दिखाई देवेला। रुआ बस बेफिक्र होके ऑर्डर करी। थैंक यू। ऐसा नहीं होखेला, एको हमनी के जमाना रहे। सवेरे 5 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो जात रही, और एगो आजकल के ही लड़के सब पता ना का लाली लिपस्टिक लगा रहल होगी। न मांग में सिंदूर, न गला में मंगलसूत्र, ऊपर से ही बेहुदा कपड़ा। तार हिम्मत कैसे भेल हमरा सामने ऐसे आवे के? माऊ तू चुप रहा। बहु, ये मुंबई ना हमार घर है। लोग तहरा के ये हालत में देखे तो का कहिए? अगर यहाँ रहे के बा तो एगो संस्कारी पतोह जैसन रहे के होखी। जा और गला में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर और साड़ी पहन के आवा। सवेरे सवेरे काहे हंगामा कर रहल बाड़ू? ई सब तो आजकल के फैशन है, और अभी बहु कल है ता नया नया आयल बाड़ी। धीरे धीरे प्यार से सब समझा दी है। हाँ माँ, पापा एकदम ठीक बोल रहल बने। सुखी रहा बेटा। हमरा और बहू के मामला में केहू बीच में दखल ना दी। बाकी मम्मी जी हम तो हमार बात अभी तक पूरा नहीं खे भाई। जा और एगो पतो जैसन तैयार हो के आव, मेहमान अभी आवे वाला होखी है। और हाँ सुना, कल से सवेरे जल्दी उठ जाई है। हमनी के यहाँ पूजा के बाद केहू ना सुतेला। शालिनी, माँ जे कुछ भी कहली वो खातिर आई एम रियली सॉरी। राजीव, तरह तो पता बा हम इंडियन कपड़ा ना पहनीला, और साड़ी तो हमरा पहनाऊ ना आवेला। कैसे पहना बम साड़ी? शालिनी, तू तो जाने लू को माँ पुरान ख्याल के है, और साड़ी पहने में रख ले काबा, बस मोबाइल पर वीडियो देखो सीख जेबू। राजीव, बात वो नहीं खे, हम साड़ी में कम्फर्टेबल फील ना करेनी। प्लीज तू मम्मी जी से बात करा, समझावा उनका के। माँ के समझावे से अच्छा बा कि तू साड़ी पहन के तैयार हो जा। प्लीज बेबी, प्लीज पहन ला। ठीक बा, हम ट्राई करतानी। जी मेहता साहब, बस 10 मिनट में मिला तानी। अच्छा ठीक बा, अब हम चला तानी, सांझ के मिला तानी।
बाय बेबी। अरे वाह, आज तो हमार पतोह साड़ी में एकदम लक्ष्मी के रूप लगा ताड़ी। ई खुशी के मौका पर बहु खातिर एगो तोहफा तो बना था। और ई खुशी के मौका पर हमार तोहफा खातिर हमरा तरफ से एगो छोटा सा तोहफा। अरे इतना महंगा तोहफा देवे के का जरूरत बा? अरे अभी शादी में इतना कुछ दे ले रही। अरे मलकिनी, शालिनी हमनी के घर के इकलौता पुतोहू है, तोहफा ले लेता एकर हक बनी ना। आज शालिनी अपन हाथ से खाना बनी ले बड़ी। शालिनी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लागल बा। तनी देखी था का बनी ले बड़ी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रहल बा। आज तो मजा आ जाए बहू के हाथ के बनल खाना खाके। ये सब का हो? मम्मी जी हेल्दी खाना है, सूप सैलेड ओट्स, ये सब घास फूस खिलाइबू। हमने के घर में हमेशा दाल चावल सब्जी रोटी ही बनेला। बाकी मम्मी जी हैवी डिनर करे से हेल्थ पर खराब असर पड़ेला। बस हम जे कुछ भी कहिला ए घर के भला खातिर ही कहिला। और फिर दाल चावल सब्जी रोटी तो पूरा देश के पारंपरिक भोजन है और सेहत खातिर भी अच्छा है। एक बात के आगे से ध्यान रखियो। कोनो बात ना, हम खाना बाहर से ऑर्डर कर देता नहीं। कोनो जरूरत नहीं के पैसा बर्बाद करे के। तू जा दाल चावल सब्जी रोटी बना के ले आव, हम नहीं उहे खाइब। परेशान ना होगा बहू, हम उनका के समझा दें। शालिनी हाँ यार, सब कुछ बहुत जल्दी हो गए। 10 साल के प्यार कब शादी के रिश्ता में बदल गए पता ही ना चलल। अब तो हम मुंबई से कानपुर शिफ्ट हो गए बानी, राजीव के घरे। और सब कुछ अच्छा बा? हाँ? इतना हंस हंस के किकरा से बात कर रहा है बाडू? कौन लड़का बा? एक्सक्यूज मी, लंदन से हमार दोस्त के फोन रहल, फोन दी ही हमार। मुंबई में लेकन के हम बहुत अच्छा से जानीला, अभी पता लग जाई कौन बा। हेलो, के बोल रहल बा? हेलो शालिनी, बंबई से शालिनी जी के नाम जी पार्सल आई। हाँ, हमें शालिनी बानी। ओके। एक घर में क्यों के कुछ फिकीरे नहीं खे, कौनो चोर उचक्का घुस आई तो? हम ये आपके राइटिंग बा, बहुत ही फनी बा लेके। हे भगवान, हमारे सक सही निकलल। ये बहु एक पराया आदमी के साथ का बात कर रही है? तो हिम्मत कैसे भईले घर में घुस आवे के? कौन भाई, का चल रहा बा तू दोनों के बीच? मम्मी जी कैसे बात कर रहल बानी रहो? ये डिलीवरी बॉय है, हमार मुंबई से पार्सल आयल बा, उहे देवे आयल रहे।
अब तू का खाना खा के जाइबे, चल निकल यहाँ से। बहिन तू एगो बात सुन लो। का? उजी आपन मिश्रा जी रहले ना, हाँ हाँ। उनकर बहू के और लड़का के साथे भाग गई। वो लड़का उकरे साथ ऑफिस में काम करत रहे। अब शादी के बाद लड़की लोग घर के काम काज छोड़ के बाहर जाई हैं, तो यह सब देखे के पड़ी ना बहिन जी। हे भगवान, आजकल तो केहू के भरोसा ही ना रहल। अच्छा ठीक है, हम चला तानी शाम के सत्संग में मिलल जाई। शरम लिहाज बाकी ना तहरा में। हमरा मना कैला के बावजूद ई का पहन लेले बाड़ू तू और कहां जा रहल बाड़ू? हम एयरपोर्ट जा रहल बानी। अरे वाह, ई तो बड़ा खुशी के बात बा। अब तो हमनी के एयरलाइन टिकट में डिस्काउंट भी मिल जाई। मुझे अपन मिश्रा जी रहले ना, हाँ हाँ। उनकर बहू के और लड़का के साथे भाग गई। अब शादी के बाद लड़की लोग घर के काम काज छोड़ के बाहर जाई हैं, तो यह सब देखे के पड़ी ना बहन जी। कहीं ना जा रहल बाड़ू तू। तू एक घर के पतोह बाड़ू, कोनो जॉब वॉब ना करबू तू। बाकी मम्मी जी, राजीव से हमार बात हो चुकल बा ए बार में। यहाँ उहे हो की जन हम कहब, तू जॉब ना करबू मतलब ना करबू। अरे संगीता, कैसन बात कर रहल बाड़ू तू? अगर बहू के जॉब करे के बा तो करे दे ना, एमे का बुराई बा? रउआ सास बहू के बीच में मत बोली, हम फैसला कर चुकल बानी। दुखी मत होकर बेटा, हम बात करब। हमरा पता बा तहरा जॉब कैल बहुत पसंद बा। हम राजीव से बात करब। जब से इले की घर में आई बिया, दाजू के पापा एकरा पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहल पड़े। तू जॉब ना करबू मतलब ना करबू, समाज के सामने नाक देखे कटवावे के हमरा। ना राजीव कितना बिजी बाड़े, एगो फोन उठावे तक के टाइम नहीं खे उनकरा पास। माँ, अगर शालिनी जॉब कर चाहताड़ी तो प्लीज उनका के जॉब करे दा। पहले तोर पापा और अब तू हो हमरा के समझावे चलेले। मतलब हमार नए घर में कोनो माने नहीं खे। बेटा तू ही सोच, अगर बहू बाहर काम करे जाए तो रीति रिवाज और परंपरा सबके तो मजाक बन के रह जाए ना। बेटा आजकल समय भी तो ठीक नहीं खे चल रहा। अगर कोनो ऊंच नीच हो गई तो हमने तो केहू के मुंह दिखावे के लायक ना रह। बेटा बेटा तू तो काम कर रहल बाड़ा ना, तो फिर बहू के कमाए के का जरूरत बा? हाँ अच्छा माँ, अगर तू नहीं खू चाहत कि शालिनी जॉब करस तो कौनो बात ना। ए घर में एगो तू ही तो बड़ जे हमारा हर बात माने ले।
जुग जुग जिए। शालिनी की? अरे ई हमार भाई बा बल्लू आजे गांव से आइल बा। नमस्ते मामा जी। अरे अरे खुश रहा। अरे बाकी तू यहाँ रसोई में का करत अड़े? तू तो अपन जीजा जी से मिले जात रहल ना? हाँ दीदी जीजा जी से मिले जात रहलनी, लेकिन किचन से इतना बढ़िया खुशबू आवत रहे तब बस यहाँ खिचल चलिए नी। हमार मतलब बात दीदी की चाय के खुशबू से यहाँ तक आ गई नी। अच्छा चल हमारा साथ है कुछ बात करे के बा, बहु चाय बना के ले आव। आजा चल। दीदी वो गांव की जमीन पता ना कब बिकी, अब तू ही हमार माई बाप बाड़ू। अगर जमीन के कुछ पैसा एडवांस मिल जाए तो हम अपन कर चुका सकब। उम्र भर लोग से कर्जा और आवारा गर्दी के सिवा कुछ न कैलस तू, तब वो सोचब हमें बारे में। हाँ हाँ दीदी कौनो जल्दी नहीं खे, तू आराम से सोची हा। वैसे भी कुछ दिन खातिर हम यहे रुकब। चाय अरे मामा जी। अरे अरे प्रणाम जीजा जी। प्रणाम 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 प्रणाम। अरे कैसन बाड़ा राजीव बेटा? एकदम बढ़िया। हम गांव से तोरा खाते तोहार मन पसंद रबड़ी लेके आयल मनी, पर एगो शिकायत बातों से। अरे तू चुपचाप शादी कर लिया और अपन ये मामा के बोलेबो ना कैला? ऐसे भाई माने के बड़ी तोरा के बहू तो तू बहुत सुंदर ले आयल बाड़ा। अच्छा अब हम सत्संग में जा रहल बानी, सांझ तक वापस आ जाइब। ठीक बा माँ, तू चला हमारा साथ है। ऐसो पिताजी और हम एगो मीटिंग खातिर जाता नहीं। ना बेटा मीटिंग में हम ना जा पाए, आज सवेर ही से पैर में बहुत दर्द बा। आबा चल। का बात बा दीदी, बहुत देर से देख रहा बानी, परेशान लगा ताड़ू। तू अपन मुंह बंद रखा। साचो में बहुत टेस्टी रहे। और वो आलू के टिक्की और वो आलू चाट कमाल रहा। कमाल के रहे। और पैर में तो सवेरे से बहुत दर्द रहे, फिर बहू के साथ घूमे कैसे चल गई नी? अपन बहू के घुमावे खातिर सब दर्द गायब हो गयी। वो बेचारी भी अकेले अकेले बोर होते रहे तो सोचने की कहीं घुमा के ले आई। बहुत थकान हो रहा है बाबू, तू एक काम कर बढ़िया वाला चाय पिला दे। जी। घूमे के इतना शौक रहे कि अपन ससुरे के साथ चल गई लू। पापा जी खुदे काले रहन, ऐसे उनका साथे चल गई नी, इन्हें बुराई का बा? बुराई बा, हमने के घर के बहू खाली अपन पति के साथ है बाहर घूमे जाली और केहू के साथ है ना, समझ लू? जब से लड़की एक घर में आई भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एकर करतूत पर नजर रखे के होगी। से बढ़िया चाय ना पीले रहली। ई चाय में गजब के टेस्ट बा, गजब के टेस्ट बा।
संगीता, संगीता जरा टॉवल दे दा। मम्मी जी यहाँ नहीं थी, अब हम तौलिया दे देता नहीं आपके। थैंक यू बेटा। बहुत दिन से देख रहे अलबानी तहरा के, जे कुछ भी तू कर रहा बाड़ो ना, वो ठीक नहीं खूब कर रहा। सॉरी, हम कुछ समझ नहीं ना रवा, कोना बारे में बात कर रहा नहीं। ज्यादा ना समझ बने के नाटक मत करा। तहरा जैसन लड़कियन के बहुत अच्छा से जानी ला हम, लेकिन अगर हमार घर बर्बाद करे के कोशिश कैलू ना तो छोड़ब ना तहरा के। लगता रवा के शक करे की बीमारी है, बाकी अफसोस दुख के बात है कि बीमारी के कोनो इलाज नहीं थे। तरह से पहले हूँ कचो कलबानी, मम्मी जी के शक करे के बीमारी और ताना मारे के आदत अब हम ना सह सके नी। ऐसा लगे लगी घर ना कोनो सर्कस है, जहाँ मम्मी जी हर समय अपन शक के हंटर चलावत रहेली। तू इतना गुस्सा काहे करता रू, हम माँ से बात कर ले, सब ठीक हो जाए। तेरा कोनो फर्क ना पड़ेला ना कि हम का फील करेनी। हमरा भी यहाँ ना रहे के, हम मुंबई वापस। का बात बा माँ, बहुत परेशान लगा तड़ू। राजू बेटा अच्छा भाई तू आ गई ले, तोरे इंतजार करत रही। बेटा ये घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तोर बीवी। सॉरी तारा खातिर आइसक्रीम लावे भुला गए नी। अरे बेटा हमरा विश्वास रहे तू जरूर भूल जाएगा, यही से बहू के उहे वाला आइसक्रीम हम खिला के ले लेवा नी। बहू शालिनी का बात बा, रउआ इतना खुश काहे बानी? अरे बात ही कुछ ऐसन बा भाग्यवान, तहरा खातिर खुशखबरी बा, तू दादी बने वाली बाड़ू, हमने के बहु पेट से भी आ। राजी बेटा, डॉक्टर कहले बाड़े बहु के आराम के जरूरत बा, एकरा के ले जा आराम करावे। जी बल्लू तू मार्केट जा, 20 किलो लड्डू पैक करा के ले आवा, पूरा मोहल्ला में बांटे। अब सबके खुशखबरी देता नहीं अभी। अरे बधाई हो के हम दादा बने वाला बनी। माँ बने के बहुत खुशी होखी ना तहरा के? तो बतैलू ना, तहरा पेट में जोन बच्चा पल रहल बा वो राजू के बा की ओकर बाप के। जबान संभाल के मम्मी जी, रवा इतना घटिया बात बोले के बारे में सोच कैसे लेनी? चिचिया मत,
तोहर चिल्लाए से सच्चाई ना बदल जाई। और इस ससुर पतो में जोन खेल चल रहल बा ना, वो हम अच्छा से देख रहल बानी। लेकिन एगो बात कान खोल के सुनला, हम ई सब एक घर में होखे ना देब। इतना हंस हंस के किकरा से बात कर रहल बाड़ू, कौन लड़का बा? के भाई का चल रहा बा तू दोनों के बीच? घूमे के इतना शौक रहे कि अपन ससुर के साथ ही चल गई लू। ज्यादा ना समझ मने के नाटक मत करा, तहरा जैसा लड़की अनके हम बहुत अच्छा से जानिला। बाकी तू बताओ लू ना कि तहर पेट में जोन बच्चा पल रहल बा वो राजू के बा की होकर बाप के? काश तू समझ पाईता हमें समय कौन दर्द से गुजर रहल बानी। मम्मी जी हमरा पे इतना घटिया इल्जाम लगेले पाड़ी, एक घर में अब हमार दम घुट रहल बा। अरे ई का बात भइल दीदी, पिछला एक महीना से हम तोरा से पैसा मांगता नहीं और तू बोल रहल बाड़ू कि पैसा ना मिली। हाँ ना मिली पैसा, जा जाके कुछ काम धंधा करो और पैसा कमाओ, जब देखे तो पैसा खातिर रोत रहेला। दीदी तू समझत काहे नहीं खू, लाखन के कर्ज बा हमरी ऊपर, अगर बिना पैसा के हम गांव जाई तो उस सेठ हमरा के ना छोड़ी। एक बार में बात तोरा के समझ में ना आवेला का? कहनी ना ना मिली पैसा, चल निकल यहाँ से, निकला और दोबारा हमार दुआरी पे पैसा मांगे मत आइया, चल निकला। काम करत रहनी तो हम मम्मी जी की चीख सुननी और जब भाग के माहौल में आनी तो देखनी की बल्लू मामा हथौड़ा से मम्मी जी पे वार करत रहलन, और जब हम उनका के रोके की कोशिश करनी तो वो हमरो ऊपर हमला कर दे ले और हमार हाथ पर बांध के हमरा के कमरा में बंद कर दे ले। देखे रोई मत, जो नाम पूछे तो नहीं रोआ बताई यादव या थोड़ा यूए थोड़ा हा और ये मोबाइल क्या कर रहा? हाँ, यू है हथौड़ा और ये मोबाइल बल्लू मामा के यहाँ। मिस्टर महेश, राव पत्नी के साथ होकर का दुश्मनी रहे? एक महीना पहले ही बल्लू गांव से हमनी के घर आयल रहे, पैसा के लेके ओकर और संगीता के कुछ झगड़ा चलत रहे। एक बार संगीता गुस्सा में आके ओकरा घर से बाहर निकाल दे ली, बस इतना ही तो बात रहे। ठीक बा, एगो काम करी, आप ओकर फोटो हमरा के व्हाट्सएप कर दी, जितना जल्दी हो सके हम कातिल के पकड़ ले। राजीव हमरा यहाँ ना रहे के, हमरा मुंबई वापस जाए के बा। ठीक बा, हम अगला हफ्ता की टिकट बुक करते नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब आई, कुछ पता चलल का बल्लू मामा के?
हम ओकरा गिरफ्तार के लिए बानी और ओकरा से अच्छा से पूछताछ भी के लिए बानी, लेकिन ऊ राउर माँ के कत्ल ना कैले बा। काहे कि जौन रात के बल्लू यहाँ रहे अब फिर के कैलस राउर पत्नी शालिनी जी का बकवास कर रहा बनी रुआ इंस्पेक्टर साहब? बकवास ना कर रहा बनी, हम हमार पास राउर पत्नी खिलाफ ठोस सबूत बा, और जौन चीज से अपना सास के ऊपर वार के लिए बिया वो हमरा मिल गई बा, और ऊपर इनकरे उंगली के निशान बा। बताई काहे कनी रहुआ ऐसा, काहे कनी रहुआ अपन सास के खून? इंस्पेक्टर साहब रहुआ ये सब का कहता नहीं, रहुआ के जरूर कोई गलत फहमी बानी, रहुआ हमार बहू पर इस तरह के इल्जाम न लगा सकेली। सही कह रहल बाड़े इंस्पेक्टर साहब, हम ही अपन सास के मार ले बानी, वो हमार जियल हराम कर दे ले रहली, हर समय हमरा के ताना मारत रहली, 24 घंटा बस हमरा पर शक करत रहली, और खाली इतना ही ना, वो हमरा ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगेली कि हम सहन ना कर पैनी और उनका के ही खत्म कर देनी। इल्जाम? कैसा इल्जाम? जब से हम प्रेग्नेंट भइल बानी वो हर समय हमरा के एक के ताना मारत रहली कि हमार पेट में हमार पति के ना हमार ससुर के बच्चा बा, एक औरत हो के वो हमरा ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगेली। राजीव के पापा हमार खातिर पिता समान बाड़े, आपन पिता समान, ससुर के साथे के वो हंस बोल नहीं के सकत, कहीं बाहर ना जा सकत, लेकिन माँ जी के सब पसंद ना रहे और वो हमरा ऊपर हर समय शक करत रहली। जब से उनका के पता चलल कि हम प्रेग्नेंट बानी तो 24 घंटा बस एक के ताना मारत रहली कि हमार पेट में जोन बच्चा बहू के और के हा, सुन सुन के हमार दम घोटे लागल रहे। देख के उनकर हाथ से हथौड़ा और फोन मुहे गिर गईल, और हमरा के मौका मिल गईल कि सब इल्जाम हम बल्लू मामा पे लगा दी, और हम खुद के बांध के एको कमरा में बंद कर लेनी। शालिनी तू ऐसा काहे कहलू? ये सब जौन भइल बा एकर जिम्मेदार तू बड़ा राजीव, हम कितना बार बतैनी कि मम्मी जी हमरा ऊपर शक करेली, बाकी तू हमार कबो तकलीफ समझ में ना कैला, तू हमेशा अपन काम में बिजी रहत रहला, एक बार हमार तकलीफ समझता ताजी सब ना होखित। काश तू समझ पाईता कि हम कौन दर्द से गुजरत रही। शैला गिरफ्तार कर एकरा।